hello students welcome to my channel once again so today we are going to read ncrt geography of class 7 chapter 4 that is air so let's get started आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ह्यूज ब्लैकेट ऑफ एयर कॉल एटमोसफेयर जो हमारा अर्थ है वो सराउंडेड है किससे एक हीज ब्लैंकेट ऑफ एयर से जिसे हम क्या कहते हैं एटमोसफेयर कहते हैं ऑल लिविंग बींग ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमोसफेयर फॉर द एयर सर्वाइवल जितने भी लिविंग बींग्स हैं इस अर्थ पे वो किस पे डिपेंडेंट है एटमोसफेयर पे या सर्वाइवल के लिए क्योंकि जैसे हम ह्यूमन बीग्स हैं तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है इनहेल करने के लिए तो हमें कहाँ से वो ऑक्सीजन मिलता है एटमोसफेयर से ही मिलता है प्लांट्स को क्या चाहिए तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए तो वो उन्हें कहाँ से मिलता है तो वो भी उन्हें एटमोसफेयर से मिलता है एनिमल्स भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उन्हें भी ये कहाँ से मिलता है एटमॉस्फेयर से मिलता है सो ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट है इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज ये हमें एयर तो देता ही है जिस जिसे हम ब्रेथ करते हैं पर और ये हमें हार्मफुल रेज जो होते हैं सन के उससे हमें बचाता भी है विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेग्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन और अगर ये ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन ना रहे ब्लैंकेट ऑफ एयर अगर ना रहे तो क्या होगा कि सन का जो रेज है वो डायरेक्टली आएगा अर्थ पे और हम जो है बर्न हो जाएंगे बिल्कुल ठीक एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट अच्छा डे में तो हम बर्न हो जाएंगे और नाइट में क्या होगा कि इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा कि नाइट में हम बिल्कुल फ्रोज हो जाएंगे तो ये ओवरऑल uh, जो अर्थ है वो हमारे सर्वाइवल के लिए नहीं रहेगा इसलिए ब्लैंकेट ऑफ एयर जो है बहुत ही यूजफुल है जो जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं सो इट इज दिस मास मासबल बनाया है हमारे रहने के लायक बनाया है अब हम देखते हैं डू यू नो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन दटमोसफेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाई द ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ अभी मैं आपको बताता हूँ जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर होता है जो हीट जो है आता है अर्थ पे वो क्या होता है कि रेडिएट होता है बाहर बाहर की ओर रेडिएट होता है तो जब रेडिएट होता है तो ये क्या करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है तो ये आ कुछ ही मात्रा जो है बाहर रेडिएट होने देता है और कुछ को क्या करता है ट्रैप कर करके रखता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जिससे क्या होता है कि आ जो हमारा अर्थ है वो इतना वार्म होता है जिससे लाइफ यहाँ पे सरवाइव कर सके तो इसे हम क्या कहते हैं ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू टू डि अगर ये लेयर ना रहे कार्बन डाइऑक्साइड का तो जितना रेडिएशन uh, आया है और हीट आया है वो सारा रेडिएट हो जाएगा बाहर की ओर तो ये जो अपना अर्थ है वो इतना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा कि हम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिटेड अमाउंट में रहना जरूरी है लेकिन इसका जो बैलेंस है वो कैसे बिगड़ रहा है तो ये देखिए वेन इट्स लेवल इन द एटमोसफियर इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक कार फ्यूम्स द अर्थ रिटेन इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ़ द अर्थ दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग अच्छा ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है जब इसका जो क्वान्टिटी है वो इंक्रीज हो जाता हो रहा है कैसे इंक्रीज हो रहा है फॉसिल फ्यूज के जलने से ठीक उसके बाद आपका फैक्ट्री से जो स्मोक निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो आपका पेड़ है उसे हम काट रहे हैं तो एक बैलेंस जो है वो बिगड़ रहा है और सी ओ टू ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा अगर सी ओ टू का लेयर हो जाएगा तो ये हीट को बिल्कुल रेडिएट नहीं होने देगा बाहर अब बाहर बिल्कुल नहीं रेडिएट होगा तो आ, ये यहाँ का जो धरती का टेम्परेचर है वो क्या होगा बढ़ेगा और इसी को हम क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं तो समझ में आ गया आपको कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है CO2 टू का ज्यादा हो जाना जो लिमिटेड जो एटमॉस्फेयर में जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाना और जो हीट को रेडिएट नहीं करने देना तो इससे क्या होता है धरती का टेम्परेचर बढ़ता है और इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट क्या क्या हैं तो क्या होगा आपका Uh, जो माउंटेन पे जो ग्लेशियर्स uh, हैं वो मेल्ट होने लगेंगे जिससे सी लेवल राइज हो जाएगा जिससे फ्लड आएगा कोस्टल एरियाज में और क्लाइमेट भी काफ़ी ड्रास्टिक चेंज होगा और कुछ एक्सटेंशन हो जाएगा कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स का लॉन्ग रन में ठीक ना तो ये सब काफ़ी बैड इफ़ेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के इसलिए आजकल जो है इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को हमें कम करना है अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफियर एटमोसफियर का क्या क्या कंपोजिशन है एटमोसफियर तो ब्लैंकेट ऑफ एयर है लेकिन ये एयर किस किस चीज़ से बना है ये इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसमें जो मेनली है वो क्या है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे लार्ज uh, क्वांटिटी में है तो इसमें नाइट्रोजन आप देख सकते हैं कि सेवेंटी जो एटमोसफियर में एयर है उसमें सेवेंटी नाइट्रोजन है ट्वेंटी क्या है आपका ऑक्सीजन है ये दोनों मिला के ही जो नाइन है नाइन्टी नाइन परसेंट कम्पोजिशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है उसके बाद जो है थर्ड जो ज्यादा है वो कौन है आर्गन गैस है ठीक आर्गन जो होता है इसे इनर्ट गैस भी कर कहते हैं ये जल्दी ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है ठीक और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है कितना है जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट है और और अदर्स गैसेस जो हैं उनका क्वांटिटी जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट है तो ये सारे को मिला लीजिए तो ये हंड्रेड परसेंट हो जाएगा ठीक कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम ओजोन आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी और ये सब गैसे हैं जो बहुत लेसर क्वांटिटी में पाए जाते हैं ओजोन लेयर है जो हमें क्या होता है अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है और इसे ओ थ्री हम कहते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टिनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर दैसेस के अलावा क्या होता है डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और आपका जो है वाटर वेपर भी होता है एयर में नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है व्हेन वी इन्हेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन टू आवर लंग्स एंड एक्सल इट जब हम इनहेल करते हैं अच्छा अब इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन है तो हम जब इनहेल करते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही नहीं इनहेल करते होंगे ना हम तो नाइट्रोजन भी करते होंगे थोड़ा बहुत तो ये इनहेल करते हैं और लंग्स जो है इसे बाहर जो है आ जाता है ये बाद में बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए उनके ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर ये जो है नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से नहीं ले पाते हैं प्लांट्स तो कैसे लेते हैं तो जो बैक्टीरिया अवेलेबल होता है सोइल्स में वो क्या करता है नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है किसमें एमोनिया नाइट्राइट और आपका नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है जिसे प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और ये उसके प्लांट्स के ग्रोथ में काफी हेल्पफुल रहता है नाइट्रोजन तो समझ में आ गया नाइट्रोजन कैसे लेता है प्लांट्स अब पढ़ते हैं आगे हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल है आफ्टर नाइट्रोजन इसका ये ट्वेंटी वन परसेंट है लगभग और ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रेथ ह्यूमन और एनिमल्स जो है ऑक्सीजन लेते हैं एयर से जब वो ब्रेथ करते हैं ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ग्रीन प्लांट जो है क्या प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में इसका बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन ठीक ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेंस कॉन्स्टेंट इसीलिए ऑक्सीजन जो है एयर में जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब अच्छा ये बैलेंस डिस्टर्ब कब होता है जब हम पेड़ को काटते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा इम्पोर्टेंट गैस है ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक दियर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज ग्रीन प्लांट कैसे करते हैं तो फोटोथे सिंथेसिस से खाना बनाते हैं और एज ए बाई प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं जितना हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को और जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को रिक्वायरमेंट है वो काफी अच्छे तरह से बैलेंस है लेकिन यह बैलेंस कब बिगड़ता है जब हम ट्रीज को कट करते हैं ठीक तब ये बैलेंस जो है बिगड़ जाता है या हम फॉसिल फ्यूज ज्यादा जलाते हैं अगर उसके बाद फैक्ट्री से जो धुआं ज्यादा आता है तो इस वजह से सीओ टू की मात्रा जो है आपके इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है और ये एक बैलेंस को बिगाड़ देता है तो हाउ ओवर द बैलेंस इज अपसे बर्निंग तो यही मैं बताया बर्निंग फ्यूज और इसके कारण जो है कोल एंड वाइन के कारण बैलेंस जो है बिगड़ जाता है दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर ये जो है इतना बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड हर एक साल जो है एटमोसफियर में जो है रिलीज करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हीट ट्रैप जो हीट है वो रेडिएट नहीं हो पाता है और ट्रैप हो जाता है एटमोसफियर के अंदर ही और इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है एज ए रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एफेक्टिंग द अर्थ वेदर और इससे अर्थ वेदर भी काफी अफेक्ट हो रहा है अब हम देख लेते हैं डू यू नो वेन एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड बोजर जब एयर को हीट करते हैं तो क्या होता है ये एक्सपेंड करता है और लाइटर हो जाता है और ऊपर की ओर जाता है कोल्ड एयर इज डेंसर कोल्ड एयर डेंसर होता है और हैवी होता है दैट इज वाई इट टेंस टू सिंक डाउन इसीलिए नीचे रहता है वेन हॉट एयर राइजेस कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया देयर टू फिल द गैप जब हॉट एयर राइज होता है तो वहां क्या हो जाता है जब राइज होगा तो लो प्रेशर होगा और लो प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर एरिया से क्या होगा एयर जो है वो उधर मूव करेगी लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए डेट इज वाई सर्कुलेशन टेक्स प्ले इसी वे से जो एयर सर्कुलेशन है आपका वो चलता रहता है हमेशा जो एयर है वो कैसे सर्कुलेट करता है तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में सर्कुलेट करता है एयर ठीक स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर अब एटमोसफेयर का क्या स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं तो आवर एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू फाइव लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस हमारा जो एटमोस्फेयर है वो फाइव लेयर्स में डिवाइडेड है ठीक पहला जो लेयर है उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं दूसरा लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर तीसरा मेजोस्फेयर चौथा थर्मोस्फेयर एंड पांचवा एक्जोस्फेयर ठीक तो अब ट्रोपोस्फेयर करते हैं तो दिस लेयर द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लेयर है एटमोस्फेयर का इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर इसका जो एवरेज हाइट कितना है 13 किलोमीटर है द एयर वी ब्रेथ एग्जिस्ट एयर ये इंपोर्टेंट ज्यादा क्यों है क्योंकि हमारे लिए जो एयर हमें ब्रेथ के लिए चाहिए वो यहाँ पे इसी ट्रोपोस्फेयर में रहता है ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमिना लाइक रेनफॉल फॉग हेल स्टॉम जितने भी वेदर फेनोमिना है जो रेनफॉल होता है आपको क्लाउड देखने को मिलते हैं फॉग हेल स्टॉम सब जो है ट्रोपोस्फेयर में ही होता है उसके बाद वाला जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं स्टेटोस्फेयर कहते हैं तो स्ट्रेटोसफेयर में क्या है एव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है ये ये कहां तक फैला रहता है ये 50 किलोमीटर तक ठीक ना ये 13 किलोमीटर रहता है तो जीरो से 13 आपका हो गया ट्रोपोस्फेयर और फिर उसके बाद 13 से लेके 50 किलोमीटर तक आपका स्टेटोस्फेयर हो गया और ये जो है इसमें क्या है क्लाउड फ्री रहता है कोई भी वेदर फेनोमिना यहाँ पे नहीं होता है तो ये एक आइडियल कंडीशन बनाता है किसके लिए फ्लाइंग एरोप्लेन्स एरोप्लेन फ्लाइंग के लिए क्योंकि ना बादल रहेगा ना लाइटनिंग होगा कुछ होगा नहीं तो एरोप्लेन्स के लिए बहुत ही अच्छा है तो इसलिए ये आइडियल कंडीशन बनाता है और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेटोसफेयर का कि ओजोन गैस जो होता है ओजोन लेयर जो होता है जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाता है अल्ट्रा वायलेट पायलट रेस से जो हमें बचाता है वो कहां आपका पाया जाता है इसी स्टेटोस्फेयर में पाया जाता है मेजोसफेयर देखते हैं मेजोसफेयर क्या होता है तो दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर ये थर्ड लेयर है स्टेटोसफेयर हो गया मेजोसफेयर हो गया हो गया इट लाइज अब द स्टेटोसफेयर स्टेटोसफेयर के ऊपर ये लाइ करता है इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ फिफ्ट एट्टी किलोमीटर तो ये फिफ्टी से एट्टी किलोमीटर के हाइट पे मेजोस्फेयर है मेट्रॉइड्स बर्न अप दिस इन दिस लेयर ऑन इंट्रिंग फ्रॉम द स्पेस जो मेट्रॉड्स आते हैं स्पेस से वो इस लेयर में जो है क्या होते हैं बर्न होते हैं थर्मोस्फेयर थर्मोस्फेयर क्या होता है इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रेपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट थर्मोस्फेयर में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज uh, करता है जैसे जैसे हम हम हाइट को लेते हैं और ये ट्रोपोस्फेयर में हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर जो है हाइट के अनुसार डिक्रीज करता है करता है ना टेम्परेचर प्रेशर ठीक और डेंसिटी ऑफ एयर सारे डिक्रीज करते हैं यहाँ पे लेकिन थर्मोस्फेयर में क्या होता है कि इंक्रीज करता है हाइट के अनुसार टेम्परेचर एंड आइनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर आइनोस्फेयर जो है इस लेयर का एक पार्ट है इट एक्सटेंड्स बिटवीन 800 हंड्रेड टू फोर किलोमीटर के बीच में ये एक्सटेंड करता है दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन ये जो लेयर है वो रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है जो रेडियो आ, का जो वेव्स होता है जो हम ट्रांसमिट करते हैं वो इसी लेयर से जो है वो अर्थ पे रिफ्लेक्ट बैक होता है ठीक रिफ्लेक्ट बैक होता है फिर अपना लास्ट लेयर जो है एक्सोस्फेयर है ये द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर है सबसे ऊपर का लेयर है एंड दिस लेयर है जो थिन एयर वेरी थिन लेयर ऑफ एयर होता है इसमें जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन जो है फ्लोट करते रहते हैं ये गैसेज वहां पे एक्सोस्फेयर में होते हैं वेदर एंड क्लाइमेट तो पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है तो वेदर क्या है कि वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर आवर टू आवर और डे टू डे जो तो चेंजेज आते हैं एटमोसफेयर में उसे हम वेदर कहते हैं ठीक जैसे ए हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वंस इरिटेबल एक हॉट और ह्यूमिड वेदर क्या होता है हमें इरिटेट कर देता है बिल्कुल एंड इवेंट प्लान फॉर एन आउटिंग जैसे ही बारिश होने लगती है या प्लीजेंट वेदर होता है तो हमें मन करता है कि चलो यार बाहर घूमते हैं और काफी चेयरफुल हो जाते हैं हम और आउटिंग के लिए प्लान भी करने लगते हैं तो वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे वेदर जो है वो चेंज होता है डे टू डे ठीक ना हाउवेयर एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट क्लाइमेट लेकिन कंडीशन जो है मतलब काफी ईयर्स का जो हम एक एवरेज निकालते हैं कि यहाँ का वेदर कैसा है तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि राजस्थान जो है वहाँ डे में क्या होता है तो काफी हॉट होता है डे और नाइट काफी क्या होती है वहां कोल्ड होती है तो ये वहां का क्लाइमेट है क्लाइमेट मतलब कि काफी सालों से ये देखा जा रहा है कि जो राजस्थान में है डे हॉट होता है और नाइट जो है उसका कोल्ड होता है अब पोलर रीजन्स में हमेशा विंटर होता है तो ये उनका क्या है क्लाइमेट है वहां का ठीक ना ट्रॉपिकल में आपका रीजन्स में क्या गर्मी ज्यादा होती है तो ये क्लाइमेट है ठीक और वेदर क्या है जो हर एक घंटे और हर एक दिन जो चेंज होते रहते हैं अच्छा अब देख लेते हैं डू यू नो यू विल बी सरप्राइज टू नो डेट द अर्थ रिसीव्स वन डी वन इन टू हंड्रेड मिलियन पार्ट ऑफ द सन एनर्जी ठीक वन पार्ट टू हंड्रेड मिलियन का वन पार्ट ही सन एनर्जी जो है वो अर्थ को रिसीव होता है तो सोचिए कितना कम एनर्जी सन का अर्थ पे रिसीव होता है अब टेम्परेचर देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है तो द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर आप जो टेम्परेचर डेली फील करते हैं जैसे कभी ठंड ठंडा आपको लगता है कभी गर्मी लगता है तो ये क्या है ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है ठीक द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर जितना ज्यादा एयर जो है कोल्ड और हॉट होगा वैसा टेम्परेचर होगा ठीक द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन टेम्परेचर जो है दिन में क्या होता है? थोड़ा रहता है रात में थोड़ा कम हो जाता है ठीक और आपका ये सीजन अलग हरेक सीजन में भी टेम्परेचर चेंज होता है समर में ज्यादा टेम्परेचर होता है विंटर में ज्यादा होता है मैंने आपको बताया था कि क्यों होता है जो टेम्परेचर चेंज होता है वो जो अर्थ है जो ये इलिप्टिकल पाथ पे सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ टेम्परेचर जो है चेंज होते हैं ऑल इम्पोर्टेंट फैक्टर इज इंसोलेशन अब इंसोलेशन क्या होता है तो इंसोलेशन जो सन की तरफ से जो इनर्जी आता है ना सन रेज और जो अर्थ रिसीव करता है उसे हम इंसोलेशन कहते हैं तो इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाई द अर्थ अर्थ जितना अब एनर्जी को इंटरसेप्ट करता है वो आपका इंसोलेशन है तो क्या होता है इक्वेटर के पास जैसे ये अर्थ है तो आपका इक्वेटर के पास क्या होता है ये डायरेक्ट सन सनरेज आता है तो और ये एरिया बहुत कम कवर करता है तो ज्यादा क्या ये करता है हॉट करता है और आपका पोलर रीजन में क्या होता है ये स्लैंडिंग रेज पड़ता है इस पर तो स्लैंड रेज की वजह से एरिया ज्यादा कवर करता है इसलिए ये ठंडा होता है द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू टुअर्ड्स द पोल तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन क्या होता है डिक्रीज करता है सबसे ज्यादा इंसोलेशन यहाँ इंटरसेप्ट करता है सबसे ज्यादा इक्वेटर पे और जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे ये क्या होता है डिक्रीज करता जाता है इसीलिए इक्वेटर के पास के एरियाज हैं वो काफी गर्म रहते हैं और जो पोलर रीजनस हैं वो काफी ठंडा रहता है अच्छा अब ये देख लेते हैं कि अलग अलग जो वेदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं किस किस चीज के लिए काम आते हैं तो थर्मोमीटर किसके काम आता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपको पता ही होगा बैरोमीटर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है वो मेजर करने के लिए गॉज किसके काम आता है रेनफॉल कितना अमाउंट में हुआ उसको मेजर करने के लिए और विंड वेन -win किसके काम आता है सो द डायरेक्शन ऑफ द विंड विंड का डायरेक्शन बताता है ये डू यू नो देख लीजिए द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस ठीक स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हम डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को मानते मा, मापते हैं इट वाज इन्वेंटेड बाय एंड्रस सेल्सियस ये एंड्रस सेल्सियस द्वारा इन्वेंट किया गया था और इन्हीं के नाम पे इसे डिग्री सेल्सियस बोला जाता है ठीक एंड ये वाटर फ्रीजेज है जीरो डिग्री पे फ्रीज करता है जीरो डिग्री सेल्सियस पे बोलते हैं ना वाटर फ्रीज कर जाता है और बॉयज कितने डिग्री पे करता है तो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे करता है उसके बाद हम देख लेते हैं ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द द सिटीज ट्रैप वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटी अच्छा आप कभी नोटिस किए होंगे कि शहर का टेम्परेचर जो है गर्मी में भी देखे होंगे कि दिल्ली जैसे एरिया में काफी ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है वही आप थोड़ा दूर चले जाइए गांव गाँव में आ, तो आपको टेम्परेचर जो है क्या होता है कि कम आपको थोड़ा रहता है इसका कारण क्या है क्योंकि जो हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं सिटीज़ में वो क्या करते हैं कि जो सन का रेडिएशन आता है ना उसको ट्रैप कर लेते हैं ठीक ना और वो रिलीज नहीं उसको रिलीज नहीं कर पाते हैं तो वो ट्रैप रहता है इसीलिए थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है और गाँव में तो ऐसे हाई राइज बिल्डिंग होते नहीं है तो जो रेडिएशन आता है उसे वो ट्रैप तो करते हैं लेकिन वो रिलीज भी कर देते हैं अब देखते हैं एयर प्रेशर तो एयर प्रेशर क्या है तो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज एयर प्रेशर तो एयर प्रेशर जो है आप देखिए यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द एयर एव विथ ए ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी जो एयर हमारे चारों तरफ है वो हमारे बॉडी पे एक ग्रेट फोर्स से जो है ना हमें प्रेस कर रहा है लेकिन वो हमें फील क्यों नहीं होता है क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना वो काउंटर प्रेशर एग्जर्ट करता है ठीक अब अभी हमें ऐसे तो नॉर्मल सिचुएशन में पता नहीं चलता है लेकिन आप देखते होंगे कि मून पे जब लोग जाते हैं तो एक स्पेस सूट पहन कर जाते हैं क्यों क्योंकि मून पे एटमोस्फेयर जो है वो नहीं है और एटमोस्फेयर वहां नहीं है तो जो हमारा बॉडी का जो ब्लड वेसल्स है वो क्या करता है कि प्रेशर एग्जर्ट करेगा और बाहर तो एटमोसफेयर है नहीं तो बाहर का प्रेशर लगेगा नहीं तो ये क्या करेगा जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसको क्या करेगा डैमेज कर देगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा ठीक तो एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रेपिडली जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा क्या है जैसे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या है घटता रहता है तो देखते होंगे एरोप्लेन में भी कुछ लोग जब जाते हैं तो ऊपर जाते हैं तो कभी नाक से ब्लडिंग हो जाता है उनके मोज से तो बिकॉज की जो प्रेशर है वो ऊपर कम हो जाता है तो द एयर प्रेशर इज हाइस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीज विथ हाइट तो एयर प्रेशर जो सबसे हाइस्ट कहाँ होता है मैंने आपको बताया था सी लेवल पे होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो डिक्रीज करता जाता है इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज हाई एंड द एयर गेट्स हीटेड एंड जहां टेम्परेचर ज्यादा है जिस एरिया का वहां के क्या होगा एयर हीट होगा और क्या होगा राइज हो जाएगा एंड क्रिएट से लो प्रेशर एरिया और वहां पे लो प्रेशर एरिया हो जाएगा तो इसी लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए क्या होगा हाई प्रेशर एरिया से जो विंड है वो लो प्रेशर एरिया की ओर जो है ब्लो करेगी और यही मूवमेंट ऑफ विंड इसी की वजह से होता है ठीक इन एरिया वहां पर क्लियर और सनी स्काईज होगा और लो प्रेशर एरिया में आपका क्या कैसा वेदर रहेगा क्लाउडी स्काईज रहेगा और वेट वेदर रहेगा द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये मैंने आपको बताई दिया कि हाई प्रेशर से हमेशा एयर लो प्रेशर की ओर मूव करती है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर नहीं अब देखते हैं विंड विंड का मूवमेंट मैंने दिया कैसे होता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया मूव करता है अब देखिए विंड्स कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू थ्री टाइप्स थ्री पार्ट्स में विंड को डिवाइड किया गया एक है परमानेंट विंड्स एक है सीजनल तीसरा है लोकल तो परमानेंट विंड्स क्या है जो पार्टिकुलर एक डायरेक्शन में पूरे साल जो है वो बहते रहते हैं जैसे द ट्रेड विंड्स वेस्टर्ली वेस्टरलीस्टर्स आर द परमानेंट विंड्स दे ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में पूरे साल वो बहते रहते हैं और कौन कौन से ये विंड है ट्रेड विंड वेस्टर्ली और इस्टरली तो ट्रेड विंड आपका कहाँ ब्लो करता है जनरली ये ट्रॉपिकल रीजन में मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया ऊपर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे हो गया इधर तो इनके बीच में ये जो बहते हैं इसे हम ट्रेड विंड कहते हैं ठीक उसके बाद जो है टेम्परेट जोन में कौन सा विंड बहता है वेस्टर्स बहता है यहाँ सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री होता है ना टेम्परेट जोन इसे कहते हैं तो ये टेम्परेट जोन में वेस्टर्ली बहता है नॉर्थ और साउथ में और आपका पोलर रीजन में क्या होता है इस्टरलीस होता है ये परमानेंट विंड है इनका डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है और पूरे साल ये हमेशा बहते हैं तो अब देखिए कि कैसे इनका डायरेक्शन आप ध्यान रखिएगा तो देखिए ये है लो प्रेशर इक्वेटर पे ठीक ये है आपका हाई प्रेशर और ये आपका लो प्रेशर और ये आपका हाई प्रेशर तो अभी मैंने आपको बताया था कि विंड कैसे बहता है लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो देखिए ऊपर का विंड का डायरेक्शन इस तरफ है ना इस तरफ नीचे की ओर यहाँ का डायरेक्शन देखिए आपका वेस्टर्डिज का डायरेक्शन जो टेम्परेट जोन में है इनका ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ आपका जो ट्रेड विंड है इनका डायरेक्शन ये देखिए इस तरफ है क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि हमेशा विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहता है और इसमें आपको समझ में आ गया कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उसमें ट्रेड होता है टेम्परेट रीजन में वेस्टर्ंडीज होते हैं और आपका जो पोलर रीजन है उसमें विंड ब्लो होता है दे ऑल आर परमानेंट सीजनल विंड्स क्या होते हैं तो सीजनल विंड्स चेंज दियर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन फॉर एग्जांपल मॉनसून इन इंडिया जो मॉनसून इंडिया में आता है वो एक सीजनल विंड है जो मॉनसून इंडिया में आता है ना साउथ वेस्ट मॉनसून जिसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून फिर वो रिट्रीटिंग मॉनसून जो वापस जाता है तो ये हमेशा अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करते रहते हैं तो इसे हम सीजनल विंड्स कहते हैं एक लोकल विंड्स होता है तो लोकल विंड्स क्या होता है कि ये पार्टिकुलर पीरियड में कहीं ये बहता है ठीक ना कि किसी स्मॉल एरिया में जैसे आपका लैंड एंड सी ब्रिज हो गया और जो नॉर्थन साइड में गर्मी में जो एक विंड बहता है उसे हम क्या कहते हैं लू कहते हैं तो ये सब लोकल विंड हो गया अब हम मॉइस्चर देखते हैं मॉइस्चर क्या होता है तो व्हेन वाटर एवोपरेट फ्रॉम द लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकेम वाटर वेपर जब वाटर एवोपरेट होता है जब सन रेज पड़ता है वाटर पे गर्म होता है और उससे वो होके जब आ, हो जाता है तो उसमें क्या होता है वाटर वेपर बन जाता है तो मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इन नोन एज ह्यूमिडिटी जितना भी मॉइस्चर एयर में है किसी भी समय में उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं तो जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है उतना ज्यादा वो वाटर पेपर अपने अंदर रख सकता है और ये और इसी यही कारण है कि आप देखे होंगे कि जो ह्यूमिड सीजन है उसमें जो है आपका क्लोथेस जो है बहुत लंबा टाइम लेते हैं सूखने के लिए और हमारा जो पसीना भी होता है वो भी जल्दी ऑपरेट नहीं करता है और हम काफी अनकम्फर्टेबल फील करते हैं ह्यूमिड सीजन में तो वेन द वाटर वेपर राइज इंटार्ट कू नहीं लेकिन जैसे वाटर वेपर राइज करता

रेनफॉल तो कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है नॉर्मल जो रेन होता है उसे हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं जैसे कि सीम स्पेस सनरेज आया तो एवोपोरेट हुआ वाटर वाटर एवोपोरेट होके ऊपर गया तो ऊपर जाके कूल हो गया कूल होने के बाद वो कंडेंस हो गया उसका वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो गया और वाटर ड्रॉपलेट जब हैवी हो गया तो एज ऐसे प्रसिपिटेशन वो नीचे गिरने लगा और इसे हम रेन कहते हैं तो इस टाइप के रेन को हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं बाकी जो आ, दो रेनफॉल और है साइक्लोनिक रेनफॉल और आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल तो साइक्लोनिक रेनफॉल किसे हम कहते हैं तो इट अकर्स वेन टू मासेज ऑफ एयर ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड डेंसिटी मीट जब दो डिफरेंट टाइप्स के एयर जो मिलते हैं जिनका टेम्परेचर अलग होता है जिनका ह्यूमिडिटी अलग होता है और जिनका डेंसिटी अलग होता है तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल जो है होता है और इसे हम फ्रंटन रेन भी कहते हैं फ्रंटन रेन ये हम आ, आगे हायर क्लासेस में जब हम जाएंगे तो इसे हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे होता है ये फ्रंटन रेन और सेक्लोनिक रेनफॉल अच्छा रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल कब होता है रिलीफ का मतलब माउंटेन जब जो है मॉइस्ट एयर के बीच में माउंटेन आ जाता है तो ये क्या होता है कि इसे ये राइज करने लगता है ऊपर ये ऊपर राइज करता है और यहाँ पे क्या होता है ये कूल हो जाता है राइज करने के बाद फिर ये कंडेंस होके ये जो है यहाँ पे आ, रेन होने लगता है ठीक और आ, जो पहाड़ है उसके दूसरे साइड क्या होता है कि ये रेन जो है नहीं जा पाता है दूसरे साइड तो ये इसको कहते हैं विंडवर्ड साइड विंडवर्ड साइड और इसे कहते हैं ली साइड जो आपको मैंने बताया था ना कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं तो वेस्टर्न घाट्स के जो ये कोस्टल रीजन है यहाँ तो काफी रेन होता है ठीक ना क्योंकि ये विंडवर्ड साइड में आता है लेकिन यही डेकन प्लेटूज जो है इधर डेक्कन प्लेटूज जो है ये लीवर्ड साइड में आता है और यहाँ पे रेन नहीं होता है ठीक इसे रेन सैडो एरिया भी कहते हैं रेन सैडो एरिया और इस टाइप के जो रेन होता है आ, उसे हम रिडीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं तो इसमें यही है कि प्रेसिपिटेशन डेट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन जो प्रेसिपिटेशन होता है उसे हम रेन कहते हैं लिक्विड फॉर्म में मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर जितने भी जो ग्राउंड वाटर फिलअप होता है वो रेन वाटर की वजह से ही फिलअप होता है और प्लांट्स हेल्प टू प्रिजर्व वाटर व्हेन ट्रीज ऑन हिज साइड्स आर कट रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ द लो लाइंग एरिया अगर पेड़ नहीं रहेंगे पहाड़ पे तो क्या होगा जो पानी आएगा पहाड़ों पे वो सीधा नीचे चला जाएगा और लो एरिया जो है वहां पे फ्लड आ जाएगा थ्री टाइप्स के रेन मैंने आपको बता दिया कन्वेक्शनल रेनफॉल और रेनफॉल ठीक और साइक्नोनिक रेनफॉल ओरोग्राफी को हम और क्या कहते हैं रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं और साइक्नोनिक को हम फ्रंटल रेनफॉल भी कहते हैं रेनफॉल क्या है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स एनिमल्स के लिए फ्रेश वाटर रेनफॉल आता है और रेनफॉल जो है वो अगर स्कार सिटी होगा तो ड्रॉट हो जाएगा सूखा पड़ जाएगा एंड ऑन द अदर हैंड इफ इट इज मोर फ्लड कैन टेक ले और अगर ये ज्यादा भी हो जाएगा तो फ्लड आ जाएगा जैसे बिहार में आप देखते होंगे हर एक साल फ्लड आती है कोसी नदी में कोसी रिवर में होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा अब हम एक्सरसाइज करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर क्या है एटमॉस्फेयर इज ए थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ सेकेंड क्या है विच टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ एटमोसफियर बल्क ऑफ एटमोसफियर कौन दो गैसेज बनाते हैं तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है नाइट्रोजन सेवेंटी एट परसेंट है ऑक्सीजन इज ट्वेंटी वन परसेंट विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोसफेयर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करता है सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड वट इज येदर वेदर क्या है वेदर इज दू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर उसे हम वेदर कहते हैं नेम थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल क्या क्या है और ग्राफिक ठीक कन्वेक्शनल और आपका साइक्लोन व्हाट इज एयर प्रेशर एयर प्रेशर क्या है द प्रेशर एक्जेड बाय द वेट ऑफ द द एयर ऑन अर्थ दर्फेस इन एज एयर प्रेशर अब टिक द करेक्ट आंसर बिच ऑफ द फॉलोइंग फॉलिंग एसिड अस फ्रॉम हार्मुल सनरेज कौन बचाता है वो जोन बचाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज कौन है ट्रोपोस्फेयर है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड क्लाउड से फ्री कौन रहता plane है स्टेटोस्फियर और प्लेन के लिए आइडल है एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द द प्रेशर प्रेशर क्या होगा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो डिक्रीज करेगा वेन परसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में उसे हम क्या कहते हैं रेन कहते हैं ट्रेड विंड क्या है तो परमानेंट विंड है ट्रेड विंड आपका लू क्या है तो लू आपका लोकल विंड है मानसून क्या है तो मानसून आपका सीजनल विंड है और आपका विंड क्या है तो विंड क्या है विंड विंड तो हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू एंड हैव ए डे